east, 1 lukewarm water, 2 spoon. Sugar, 2 tablespoon. Milk powder, vanilla essence, wheat flour, ये ऑप्शन है, सॉल्ट मिक्स, बटर सॉल्टेड और अनसॉल्टेड कोई भी आप ले सकते हैं, मिक्स कर लेंगे। अभी मैं लुक वार्म वाटर यूज करने वाली हूँ, बस थोड़ा गर्म वार्म होना चाहिए, एज पर रिक्वायरमेंट डालेंगे। एक डो की तरह, चपाती डो की तरह बनाएंगे, चपाती डो से थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रहेगा ये। बहुत ज्यादा प्रेशर, कवर करके रख देंगे इसको, प्लेट से या टॉवल से भी कवर कर सकते हैं, और अराउंड एक घंटा तो जरूर ही इसको प्रूफिंग के लिए रखेंगे। 1 आवर रेस्ट के बाद ये अच्छे से प्रूफ हो गया है। अभी एक प्लेन सरफेस पे थोड़ा पाउडर आटा डाल दिया और इसको इसमें डाल दिया। लाइट हैंड से ही इसको मिक्स कर लेंगे। अभी एक रोलिंग पैन से इसको रोल कर लेंगे। और अपना ये डोनट कटर है उससे कट करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल ग्लास से भी कर सकते हैं। थिकनेस अभी जो इनको फिर से वापस चिपकता है तो थोड़ा ड्राई आटा डालकर इसको वापस कर सकते हैं। एक कुकी ट्रे में मैंने इसमें बटर पेपर इसमें रख दिया और इसको इसमें वापस से रखेंगे। और इसको वापस कवर करके अराउंड 45 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, प्रूफिंग होने के लिए, सेकंड प्रूफिंग। आफ्टर 1 आवर ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। वन एटी डिग्री प्री हीट पर इसको हम लोग बेक करेंगे। अभी इसको प्री हीटेड ओवन में कन्वेक्शन मोड पे मैं 10 मिनट्स के लिए बेक करूंगी और इसको मैं डीप फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ये ऑयल को मैं गरम करके रखी हूँ और इस पर इसको हम लोग डीप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। वाले को भी मैं डाल दूँ। अभी इसको हम लोग टर्न कर देंगे। दिस वन इज अ बेक वन एंड दिस वन डीप फ्राई। अभी ये अच्छे से ठंडा हो गया। एक बाउल में मैं डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। ये अच्छे से मेल्ट हो गया और इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अभी एक प्लेट का डोनट
सा डिप करेंगे। ये व्हाइट चॉकलेट को भी मैं मेल्ट करके रखी हूँ, फिर स्मूथ कर देंगे थोड़ा मिक्स कर। व्हाइट चॉकलेट को मैं पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा डिजाइन कर देंगे। थोड़ा पैटर्न बना रही हूँ। अब इसको 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे।